दुधीना मुठिया। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट 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 फेवरेट गुजराती रेसिपी अने आ मारा घरे ऑलमोस्ट अठवाडियामां बे थी त्रण वार बने छे अने दिस इज माय मॉम्स सीक्रेट रेसिपी। सबसे पहले घेऊं का बड़ा आटा लेना है और उसको प्रॉपर ऑयल डाल के मो लेना है। आप देख सकते हैं कि सारा आटा प्रॉपरली कोट हो जाना चाहिए। ये प्रोसेस करने से मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। नाउ वी विल ऐड व्हीट फ्लार यानी कि गेहूं का आटा, ग्रेट की हुई लौकी डालेंगे यानी कि दूधी, चॉप की हुई मेथी। अगर फ्रेश मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट, तिल, अजवाइन और नमक स्वादानुसार, धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी। अगर आप ग्रीन मुठिया बना रहे हो तो हल्दी अवॉइड भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। अभी ऑयल डाल के उसमें हल्का सा सोडा डालना है। सोडा आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। इसका आटा गूंदना है और पानी बहुत धीरे धीरे ऐड करना है। मेक श्योर कि आपका आटा बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए बिकॉज लौकी भी उसका पानी छोड़ेगी। आप देख सकते हैं कि आटे की कंसिस्टेंसी मैंने कैसी रखी है। मुठिया को मुठिया क्यों बोलते हैं कभी आपने सोचा है? क्योंकि वो हाथ की मुट्ठी से बनते हैं। इसका जो शेप होता है आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ की मुट्ठी से इसको कैसे शेप दिया जाता है। दिस वॉज द एक्चुअल मेथड हाउ आर दादीज एंड नानीज यूज्ड टू मेक। गैस पे स्टीमर चालू करके उसको गर्म होने देना है और सारे मुठिया को स्टीमर में ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं मुठिया प्रॉपरली स्टीम हो गए हैं। इसको गरम गरम ही बाहर निकाल के फिर इसको कम्प्लीटली ठंडे होने देना है। ठंडे हो जाए उसके बाद ही इसको कट करेंगे वरना सारे मुठिया कट करने के वक्त टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं मुठिया प्रॉपरली ठंडे हो गए हैं, अभी मैं इसे कट कर रही हूँ। You can see how soft these muthiyas are. We finally muthiya ka tadka karenge. Bahut log muthiya ko fried bhi banate hain, but usually ye steamed hote hain. Abhi oil lenge, usme mustard seeds dalenge, thode se jeera, asafoetida yani ki hing, sesame seeds yani ki til, kari patta. और उसमें स्टीम किए हुए मुठिया डाल देंगे।
ऊपर से थोड़ा सा नींबू का जूस और उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे।